नमस्कार, मैं रीनू कुमारी, पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। पहली खबर की ओर चलते हो, बता दें जबलपुर में साल 2019 के बाद एक बार राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक फिर से होने जा रही है और इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट बैठक करने के लिए 3 जनवरी को यहाँ आएंगे। इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री गैरिसन ग्राउंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारी भी जारी है। दूसरी खबर की ओर चलते हुए बता दें, मोबाइल में नमो ऐप डाउनलोड कराया जाएगा। ऐप खुलते ही प्रोफाइल भरने का विकल्प आएगा। प्रोफाइल भरने के बाद ओटीपी आएगा और ओटीपी डालते ही ऐप पर पंजीयन के नाम के बाद नमो मित्र बन जाएंगे। यह नमो मित्र अन्य 10 लोगों को जोड़ेंगे जिन्हें वेरियर्स का नाम दिया गया है। नमो वेरियंस विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। तीसरी खबर की ओर चलते हुए बता दें, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मंदिर प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा शक्तिपंथ की महाकाल महालोक मानसरोवर फैसिलिटी सेंटर तथा टनल 1 व 2 के रूप में जो निर्माण कार्य कराए गए हैं वे वरदान साबित हो रहे हैं। नए साल के पहले दिन 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की है। चौथी खबर की ओर चलते बता दें, मध्य प्रदेश के गुना में एक सड़क हादसा सामने आया है। 2 बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। थाना प्रभारी जुबेन खान ने कहा है कि एक मोटरसाइकिल पर 4 लोग और दूसरी मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे, तभी दोनों बाइक की आपस में टक्कर हो गई। उन्होंने बताया कि 3 लोगों की मौत हो गई है इसमें। और आखिरी खबर की ओर चलते हुए बता दें, भोपाल के शहर में 24 मार्गों में बस सेवा बाधित रही। इससे 1.5 लाख से अधिक शहरवासी परिवहन सुविधा के लिए इधर से उधर भटकते रहे। सिटी बसों के चालक परिचालक ISBT बैरागढ़ और बागसेवनिया डिपो पर एकत्रित हुए। इस दौरान हिट एंड रन मामले में बनाए गए नए कानून को वापस लेने को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि बस ऑपरेटरों ने चालकों को समझाने का भी प्रयास किया, चेतावनी भी दी। ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम जानकारी के लिए देखते रहे पब्लिक एशिया न्यूज़।